Welcome back, students. This is Neeraj and we'll continue with Python. Okay. Next thing which we have to learn is about अब program में हम देखते हैं बहुत सारे keywords use किए जाते हैं. सबकी अपनी अपनी meaning मिलती है. जैसे कि add, multiply, mul लिखते हैं, divide, num कुछ भी लिखते हैं. वो सब कीवर्ड्स वगैरह जिससे वो पहचाने क्या करना है. कुछ लिखोगे तो उसका वो मीनिंग होगा, वो तो ये पहचानना है. तो पाइथन कीवर्ड्स हमें लर्न करना है. पाइथन कीवर्ड्स बहुत सारे प्रोग्राम में कीवर्ड्स सेम भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लर्न कर सकते हो आप. यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है तुम्हें, ये जो होते हैं रिजर्व होते हैं, मतलब इनको आप किसी चीज़ के लिए और यूज नहीं कर सकते. जैसे कि मैंने मान लो मैंने एक यूज़ कर लिया, सपोज आई यूज़ ऐड ADD कीवर्ड फॉर एडिशन, सो आई कांट यूज़ ADD फॉर अदर पर्पसेस. किसी और चीज़ के लिए मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता. सो दैट इज मीन्स इट्स द रिजर्व्ड है. केस सेंसिटिव होता है. मतलब ADD और ADD बोथ हैज़ डिफरेंट मीनिंग. जैसे कि इसमें एक कीवर्ड होता है assert, ASSERT, assert. But if you write ASSERT, हमने क्या कर दिया, कैपिटल ए कर दिया, बाकी सब स्मॉल ही है. It won't be read by Python. क्यों? क्योंकि Python इसका मीनिंग जानता है. Because Python understands not this. तो ये केस सेंसिटिव होता है पाइथन के कीवर्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है. और हर एक कीवर्ड्स का डेफिनेटली उसका अपना मीनिंग है. रिजर्व मैंने बता ही दिया. ADD अगर यूज़ कर दिया एडिशन के लिए, ADD का यूज़ इस वर्ड का यूज़ हम मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं कर सकते हैं. अगर पहले आप इसको ADD का मतलब पाइथन को बोलते हो कि ADD का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करेगा. ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं इसमें, जैसे कि इफ़ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ होता है. इफ़ क्या करता है, एग्जीक्यूट्स कंडीशन. इफ़ मतलब यदि हिंदी में बोलते हैं, अगर ये सही है तो ये करो, अगर ये सही नहीं है तो डोंट रन. इफ़ ए इज़ करेक्ट डू बी, इफ़ नॉट स्टॉप. ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है. अगर ए सही है तो वो बी के काम करेगा. ठीक है, मतलब कि जैसे करो, सपोज़ हमें सपोज यू हैव टू ऐड 3 and 5. सो यू राइट नंबर 1 = 3, नंबर 2 = 5. ठीक है, फिर तीसरे में लिखते हो num1 + num2 ऐड करना है. इफ़ num1 = 3, num2 = 5. तो आपने बोल दिया कि जब 3 और 5 हो तभी आउटपुट देना है, तभी वो आपको आउटपुट देगा. कितना, 3 + 5 8.
अगर थ्री की नम वन की जगह अगर फोर लिखा होता यहाँ पे, मान लो अगर लिखते फोर, बट इफ नम वन इज इक्वल टू फोर होता लिखा हुआ, नम टू इज इक्वल टू फाइव होता, देन इट वोंट गिव एनी आउटपुट, इट वोंट गिव एनी आउटपुट. क्यों? बिकॉज वी हैव स्पेसिफाइड इफ कंडीशन. हमने बोला है नंबर वन और टू को तभी ऐड करना है जब नंबर वन थ्री हो और नंबर टू फाइव हो. लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर लिखे होते तो आउटपुट वो एट नहीं देता, क्योंकि हमने बोल रखा है उसको तभी ऐड करना है. ठीक है, इफ इसी तरीके से दूसरी चीज़ें भी होती हैं. फॉर होता है, सबका यूज़ देखेंगे हम. वाइल होता है, ठीक है. ब्रेक होता है, ब्रेक का यूज़ क्यों होता है? टू स्टॉप द, टू ब्रेक द लूप, टू ब्रेक द लूप. और प्रोग्राम, प्रोग्राम को तोड़ने के लिए, मतलब रन नहीं करना है. कंटिन्यू यूज़ करते हैं, कंटिन्यू किस लिए यूज़ करते हैं? टू एस्केप अ लाइन, टू एस्केप अ लाइन, एस्केप अ लाइन मतलब सपोज करो एक लाइन हुआ, दो लाइन हुआ, तीन लाइन हुआ, चार लाइन हुआ, पांच लाइन हुआ. अगर तीन के बाद सीधे पांच यूज़ करना है तो, ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं. इफ़ आई वांट टू यूज़ फिफ्थ लाइन आफ्टर थर्ड, देन वी यूज़ कंटिन्यू टू एस्केप फोर्थ लाइन. फोर्थ को मिस करने के लिए कंटिन्यू यूज़ करते हैं. उसी तरीके लिए एक होता है एजर्ट, एजर्ट यूज़ किया जाता है टू फाइंड एंड करेक्ट एरर्स, डिबगिंग, टू करेक्ट एरर्स. इस प्रोसेस को क्या करता है? दिस इज़ कॉल्ड डिबगिंग. पढ़ेंगे हम ये भी. इसी तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. ये आपके बुक में, योर बुक हैज़ अ लिस्ट, ठीक है, आपके बुक में ये लिस्ट दिया हुआ है. और द नेक्स्ट इज आइडेंटिफायर्स, पाइथन आइडेंटिफायर्स. पाइथन आइडेंटिफायर, नाम ही है क्या, आइडेंटिफायर, टू आइडेंटिफाई एनीथिंग, टू आइडेंटिफाई एनी थिंग और एंटिटीज़, कुछ भी पहचानने के लिए, सच एज वेरिएबल, फंक्शन या कॉन्स्टेंट टर्म, कुछ भी. सपोज़ करो आपको ये एवरेज मार्क्स निकालना है बच्चों का. इन सपोज वी वांट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन आईपी, आपके सब्जेक्ट में, तो इसके लिए ही आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे. मतलब एवरेज के लिए क्या लिखे, एवरेज जैसे मान लो लिखना एवरेज, तो एवरेज इज क्या, आइडेंटिफायर, एवरेज एन आइडेंटिफायर, ठीक है, ये आइडेंटिफायर हो जाएगा. ठीक है, तो इसे मुझे पहचान लेगा कि मुझे, मैंने क्या लिखा है, मुझे एवरेज निकालना है. वेज ऑफ राइटिंग, वेज ऑफ राइट ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर, अपर केस हो सकता है, लोअर केस हो सकता है, और अंडर स्कोर से भी शुरू हो सकता है, अंडर स्कोर से. एग्जांपल ए वी ई आर ए जी ई, ए वी ई आर ए जी ई, ए वी ई आर ए जी ई, या अंडर स्कोर ए वी ई आर ए जी ई, या सिर्फ अंडर, कुछ भी आप लिख सकते हो.
तो ये लिखने का तरीका है, ठीक है। कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड, कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड। अब ऑलरेडी क्यों? क्योंकि इसको यूज़, इसका कुछ मतलब है ऑलरेडी। अब इसको भी यहाँ पे यूज़ कर लोगे पहचानने के लिए। अगर मैं ए डी डी लिख दूँ तो ये तो समझेगा क्या करना है, ऐड करना है पाइथन। ये नहीं समझेगा कि ऐड का मतलब है एवरेज निकालना है, ठीक है। कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड, वी कैन यूज़ नंबर्स ऑल्सो, वी कैन यूज़ नंबर्स ऑल्सो, 0 to 9, और मिक्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। मिक्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक, मिक्स ऑफ अल्फा न्यूमेरिक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ऐसे यूज़ करूँ मैं एवरेज 009, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना हो मुझे। सिंबल्स आर नॉट यूज्ड, सिंबल्स आर नॉट यूज्ड, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि परसेंटेज, एट, साइन, एम्परसैंड, नॉट यूज्ड, इनको हम इसके लिए यूज़ नहीं करते, आइडेंटिफायर बनाने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा मैं कीबोर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। नेक्स्ट वेरिएबल वगैरह और डेटा टाइप्स वगैरह देखेंगे हम लोग, तो ये 2-3 चीज़ें हैं। ओके, लेट मी क्लोज, थैंक यू।